अभी आवाज आ, हाँ गुरु, अभी आवाज आ रही है? हरिओम यस गुरु जी, आवाज आ रही है। हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान चर्चा में हम सभी नहा रहे हैं। भगवान अर्जुन को धीरे धीरे कर्म योग का उपदेश देते हुए ज्ञान की गहराइयों तक पहुंच रहे। आज भगवान कह रहे हैं कि अध्याय 3 श्लोक 19, इसलिए आसक्ति रहित होकर कार्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि अनासक्त होकर निरंतर कर्म करने से पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान कर्म करने का तरीका बता रहे हैं और कर्म करते करते परमात्मा तक पहुंच जाने का तरीका भी बता रहे हैं। कर्म करते हुए कैसे हम अपने ही उस परम तत्व को अनुभव कर लें, वो तरीका है अनासक्ति का। एक है आसक्ति, एक है अनासक्ति। आसक्ति का मतलब होता है मैंने कुछ पकड़ा है, मैंने घर को पकड़ा, कार को पकड़ा, मैंने धन को पकड़ा, पद को पकड़ा, प्रतिष्ठा को पकड़ा, संबंधों को पकड़ा, मैंने पकड़ा है अपनी ओर से, उन चीजों ने मुझे नहीं पकड़ा। जब मैं किसी चीज को पकड़ लेता हूं अपने मन से तो उसको आसक्ति कहते हैं। और जिस चीज को हम पकड़ते हैं उसमें बार बार रहना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसका सुख लेना चाहते हैं, और ये आसक्ति फिर लगातार जीवन भर चलती रहती है और पक्की होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है। और जितनी आसक्ति मजबूत होती है, हम सुकून से, आनंद से, आराम से, प्रसन्नता से, खुशी से, प्रेम से उतना दूर होते चले जाते हैं। आसक्ति दुख देती है, आसक्ति हिलाती है, समस्या देती है, उलझन देती है। जीवन में जो भी कुछ हिल रहा है वो आसक्ति के कारण ही तो हिल रहा है। यदि आसक्ति ना हो तो जीवन ज्ञान प्रेम और आनंद के साथ होने लगे, लेकिन यदि आसक्ति है तो फिर यही बंधन है। क्योंकि आसक्ति में यही होता है कि भैया जो मुझे चाहिए, अच्छा लगता है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं उसी के पास रहना चाहता हूं, उन्हीं से बात करना चाहता हूं, और तो लोग भी खास अच्छे लगते नहीं। आसक्ति हमारे पूरी तरह से विशालता को इकट्ठा कर देती है, संकुचित कर देती है। जीवन संकोच में, जीवन भार के रूप में होने लगता है। जब हम आसक्त होते हैं कभी भी, तो हम कभी भी प्रफुल्लित नहीं हो सकते, खिले खिले नहीं हो सकते। जब हम अनासक्त होते हैं तब ही हम खिलते हैं। आसक्ति में यह है कि यह मेरा है, ये संबंध मेरे हैं, ये घर, ये परिवार, ये मेरा मेरा। आसक्ति में मेरा प्रधान होता है, मैं प्रधान होता है, और मैं के आधार पर ही हम सब कुछ देखते हैं। पूरे जगत का व्यापार मेरे मैं के आधार पर होता है, और अपनी मैं से लिंक करते हैं हम चीजों को। और जहां जहां ये मैं जुड़ती चली जाती है, ठहरती चली जाती है, वहां वहां आसक्ति पैदा होती चली जाती है। मेरी मैं के कारण से, अहंकार के कारण से ये आसक्ति पैदा होती है। तो मेरी मैं जब कहीं कहीं किन्हीं जगहों, वस्तुओं, स्थानों पर, पदार्थों पर अटक जाए तो उसको आसक्ति कहते हैं। और जब वो बिल्कुल ना अटके, किसी भी तरीके से वो कहीं अटक ही नहीं रही है, मेरी आंखें कहीं ठहर ही नहीं रही हैं, कान कहीं ठहर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है प्रकृति में कि मैं उसे बार बार देखना चाहूं, बार बार घूरना चाहूं, बार बार सुनना चाहूं। मैं वहां पर आसक्त होकर बार बार जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने ये पक्का किया है कि सब परमात्मा का ही तो है। जब सब परमात्मा का है तो वहां आसक्ति नहीं होती। जब जहां कुछ मेरा है वहां आसक्ति है, मैं के साथ आसक्ति पैदा होती है। ये मेरा है ये सोचा नहीं, ये किसी ने पक्का कराया नहीं कि हमारी आसक्ति खड़ी हो गई और परमात्मा कहीं चला गया, प्रेम कहीं चला गया, अपना स्वरूप कहीं चला गया। क्योंकि परमात्मा बहुत ही
ऐसा नहीं है कि वो जगत के पदार्थ भी हमारे मन में रहें और परमात्मा भी हमारे मन में रहे। हम परमात्मा को भी शायद याद करते हैं तो जगत के पदार्थों को पा लेने के लिए ही तो करते हैं। कुछ चाहिए परमात्मा से, हम पूजा पाठ सारे आयोजन सारे यज्ञ मंदिर जाना सारी प्रक्रियाएं कुछ पा लेने के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि वहां परमात्मा के पास भी जब हम दस्तक देते हैं सिर नवाते हैं तो कुछ मांग लेते हैं, वहां भी आसक्ति खड़ी है। हम परमात्मा के पास परमात्मा को पाने के लिए नहीं जाते बल्कि परमात्मा के पास अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी मैं को और बल देने के लिए, अपनी आसक्ति को पुष्ट करने के लिए, अपने सुखों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए परमात्मा के पास जाते हैं। कभी परमात्मा के पास गए हो, मंदिर गए हो और ध्यान के लिए बैठे और कुछ मांगा ना हो और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहे कुछ मांगा नहीं, ये निस्वार्थ एक तरफा अर्थात परमात्मा को पाने का एक अनुभूति है। और नहीं तो अक्सर यही होता है कि घर में कोई व्यक्ति हवन कराए यज्ञ कराए तो उसके पीछे कोई चाह, कोई प्रकट चाह और कोई अप्रकट चाह। यदि मंदिर में थाली बहुत बड़ी सजाकर व्यक्ति पहुंचता है, उसके ऊपर अच्छे खासा दक्षिणा भी रखता है तो इसका मतलब है या तो कोई मांग पूरी हुई है या कोई मांग है जिसको मांगने जा रहा है। हमने परमात्मा को अपने स्वार्थ के संबंध से पूरी तरह से जोड़ लिया है। मुझे कुछ चाहिए तो परमात्मा, दुख है तो परमात्मा, बस परमात्मा तब जब मुझे कुछ चाहिए। वैसे तो हम परमात्मा को कहां याद करते हैं। सुख में आप रमे हो तो परमात्मा को याद तो ऊपर ऊपर के स्तर से किया जाता है, गहराइयों से याद थोड़ी किया जाता है। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुख में परमात्मा को याद करना है और जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो अनासक्त हो जाते हैं, केवल परमात्मा को याद करते हैं। वहां से कुछ पाने की चाह नहीं, पाने की चाह आसक्ति देगी। केवल परमात्मा को याद किया जा रहा है, उसको अपने अंदर ध्याया जा रहा है, उसमें लीन और लवलीन हो रहे हैं तो समझो कि हम अनासक्त होकर पूरी तरह से अनासक्ति के भाव में अब परमात्मा की याद में। तो जब हम अनासक्ति के भाव में परमात्मा की याद में होते हैं तो वही कर्म हमारे कर्म योग हो जाते हैं और वही कर्म हमें परमात्मा तक मिला देते। अनासक्ति के भाव से किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंचा देते। अनासक्ति पहली स्थिति है, परमात्मा अंतिम अवस्था है। सीढ़ी पर ऊपर छत पर चढ़ना हो तो पहले तो नीचे की सीढ़ियों को चढ़ना होगा, फिर ऊपर छत पर हम पहुंच जाएंगे। तो अनासक्ति ये प्रथम सीढ़ियां हैं आगे बढ़ जाने की, ऊपर चढ़ जाने की। और लगातार जब अनासक्त होकर हम कर्म करते रहते हैं वो सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, सारे कर्म अनासक्त हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि अब हम छत पर पहुंच गए, अब सीढ़ियों की आवश्यकता ही नहीं रही, अब परमात्मा को अपने अंतरतम में हमने पा लिया है, अनुभव कर लिया है, अब अनासक्त कर्म करने की आवश्यकता नहीं। चूंकि अनासक्त कर्म तो परमात्मा तक पा लेने के लिए था और जब हम अनासक्त कर्म के माध्यम से परमात्मा को पा लेते हैं तो अब कर्म रहता ही नहीं है मेरे लिए, अब परमात्मा ही है। अनासक्ति जब हम कर्म करते हैं तो वहां पर एक थोड़ा सा होश जगा रहता है कि कहीं आसक्ति ना आ जाए, कहीं स्वार्थ ना घट जाए, कहीं मेरा मोह तो नहीं, कोई विकार से तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सहज सहज कर, संभल संभल कर, ध्यान पूर्वक कदम रखते चलते हैं। वो बहुत ही सहजता से सुजाग होकर अवेयरनेस के साथ हम चलते जाते हैं कि कुछ मेरे से गलत ना हो जाए, मेरा कोई कर्म ना बन जाए, कोई आसक्ति प्रकट ना हो जाए। अर्थात अनासक्त भाव को हम बहुत संभाल कर चलते हैं और धीरे धीरे जब उसको संभाल कर चलते हैं तो प्रैक्टिस ऐसी होने लगती है, फिर संभालना छूट जाता है, हम अनासक्त भाव में आ जाते हैं और फिर एक ऐसी अवस्था होती है हम परमात्मा तक पहुंच चुके होते हैं। अर्थात अपने ही अंतरतम में उस
दिव्य अनुभूति को, उस प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं जो मेरे साथ लगातार है ही है। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा मतलब जो फैला है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। वो अपने अंतरतम में हम उसको अनुभव तब कर सकते हैं जब बाहर से अपने आप को हटाएं। तो हम घर के बाहर खड़े हैं, घर में आना चाहते हैं, लेकिन बाहर से अपने पैर को उठाकर घर के अंदर लाना नहीं चाहते, तो घर के अंदर आ नहीं सकते। हम दोनों चाहते हैं कि घर के बाहर भी रहें और अंदर भी रहें, ऐसा नहीं होता। या तो घर के बाहर होंगे या घर के अंदर होंगे, दहलीज पे भी होंगे तो भी अंदर बाहर रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से अंदर नहीं आ पाएंगे। तो आसक्ति हटे, अनासक्त भाव में आए तो परमात्मा के जो राज्य है, साम्राज्य है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। जगत के साम्राज्य से हटे, अपने जो अपने अंदर बनाया है हमने जगत, जगत ये बाहर नहीं, वो तो हर व्यक्ति ने अपना अपना जगत बना लिया है, वो अपनी दुनिया में जीता है, सब अपनी अपनी दुनिया में अपना अपना जगत पूरी तरह से बनाए हुए हैं। ये बाहर जो जगत दिख रहा है ये एक जैसा सबके लिए नहीं है, सब इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसकी व्याख्या सबकी अलग अलग है। हर संबंध की व्याख्या हम अलग अपनी अपनी कर लेते हैं, हर पद की व्याख्या अपनी अपनी है, हर पदार्थ की व्याख्या अपनी अपनी है, नजरिए के आधार पर हम नजारों को देखते हैं। तो जगत मेरे अंदर बना है, यदि मैं उस जगत में ही रहता हूं तो परमात्मा दूर है। लेकिन जब जगत का मतलब है आसक्ति, आसक्ति ही जगत को मेरे अंदर पैदा करती है। मेरे मन में जो इतने ख्याल हैं, कल्पनाएं हैं, उलझने हैं, कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति कहीं चिपकी पड़ी है। जीवन में कोई समस्या ना हो यदि आसक्ति ना हो, यदि कोई उलझन है तो समझो वहीं पर कहीं आसक्ति भी है, छुपी तौर पर कहीं आसक्ति है ही है। उस आसक्ति को यदि हम दूर कर दें तो जो समस्या थी, जो उलझन थी, वो हट जाएगी। अनासक्त होकर कर्म करने हैं, सारे कर्म करो, कुछ छोड़ना नहीं, जो है सब करो, लेकिन आसक्ति रहित हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। वहां जुड़कर नहीं बल्कि अपने से जुड़कर जब कर्म किए जाते हैं तो अनासक्त, लेकिन कर्मों से ही जुड़कर हम कर्म करते हैं और वहां पर फिर फल चाहते हैं, स्वार्थ होता है और फिर कहते हैं मैंने किया, बहुत अच्छा किया, देखो मेरे मैं ना करता तो कैसे होता। फिर हम उसको अहंकार से पुष्ट करते हैं और यदि कुछ गलत हो गया तो अरे मेरे से तो बहुत गलत हो गया, मैंने तो बहुत ज्यादा गलत निर्णय ले लिए जीवन में, सारी समस्याएं मेरे गलत निर्णयों के आधार पर है। ये भी अहंकार का एक बिखरा हुआ रूप है, ये भी आसक्ति है। तो यदि वो आसक्ति है तो फिर तो दुख आएगा, उलझन आएगी, समस्या आएगी। हमें तो केवल अपने आप को अनासक्त, अंदर से अनासक्त रखना है और फिर करो, सब करो, सब कर्म हम आराम से करें। इसलिए भगवान एक उदाहरण के रूप में आगे इस की चर्चा कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जनक आदि भी कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। अब भगवान ने जनक, राजा जनक का उदाहरण दिया है। भारतीय परंपरा में राजा जनक एक बहुत ही ऊंचा नाम है, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था जो पूरे राजपाट को संभाल रहा है, लेकिन लेश मात्र भी वहां पर लिप्त नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजा तो है लेकिन सन्यासी है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो राज मुकुट और पूरी पोशाक और कीर्ति के साथ जी रहा है लेकिन कीर्ति उसको छू भी नहीं रही है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो केवल अपने दिन भर सभाओं में ज्ञान चर्चा करता है, दूर दूर से केवल ज्ञानियों को निमंत्रण देकर बुलाता है और उसको रुचि ही उन कार्य में आती है, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा राजा जो अपने प्रजा पर भी ध्यान रखता है, राजकाज के कामों को भी देखता है लेकिन अपने आत्मभाव से जुड़ा हुआ है,
ये एक अवस्था है, एक स्थिति है कि हम बाहर भी सब कुछ देख सकते हैं और अंदर भी जुड़ सकते हैं। तो राजा जनक एक ऐसी ही अनूठी, और राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र जी ने जब ज्ञान दिया तो राजा जनक पहले से ही एक ऊंची अवस्था में थे, और उस ज्ञान को अष्टावक्र गीता नाम से जाना जाता है। एक ऊंचा ज्ञान है वहां पर, केवल अध्यात्म का, आत्मा का एक ऊंचे से ऊंचा यदि कोई शास्त्र हो सकता है जहां पर केवल और केवल आत्मा की ही बात की जा रही है, वो अष्टावक्र गीता है। तो राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया उससे वो एकदम अपने आत्म भाव में टिक गए। तो राजा जनक की स्थिति जो एक ऊंची अवस्था थी, उस अवस्था के कारण से पूरे राज्य में दूर दूर तक उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति फैली हुई थी कि राजा हो तो जनक जैसा, व्यक्ति हो तो जनक जैसा, लेश मात्र भी कहीं आ सकती नहीं। और फिर कई हजारों सालों तक की कीर्ति लगातार चलती चली आई। तो भगवान वही उदाहरण दे रहे हैं कि देख, राजा जनक कभी भागे थोड़ी है, तू तो भागने की बात कर रहा है। राजा जनक ने राजकाज किया, सब कुछ किया, उनकी स्थिति देख, तू भी तो राजा है, तू उनसे कुछ सीख। तू मेरे से नहीं समझ पा रहा है तो अपने राजा की जो परंपरा चली आ रही है वहां से तो देख कि कैसे राजा जनक ने राजकाज किया है, कैसे राजा जनक निष्काम होकर जीवन जी रहे थे। तो राजा जनक की एक अवस्था है, और भगवान कह रहे हैं कि जनक जो हैं, और साथ साथ जो जनक आदि महत्वपूर्ण है, जनक लेकिन केवल जनक नहीं, जनक जैसे अनेक राजा भी रहे हैं और हर समय रहे हैं, हर काल में रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो ऊंचे पदों पर हैं लेकिन अनासक्त होते हैं। ये परंपरा, ये ज्ञान की परंपरा कभी लुप्त हो ही नहीं सकती, ये है ही है। वो जनक की अवस्था आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है ही है, वो ऋषि परंपरा किसी ना किसी रूप में आज भी विद्यमान है ही है, वो ज्ञान की परंपरा आज भी विद्यमान है। वो हो सकता है कि ढक जाए, छुप जाए, लेकिन वो है। हमें प्रतीत ना हो, हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो है। तो जनक आदि अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने निष्काम कर्म को पकड़ा है, और निष्काम कर्म करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो निष्काम कर्म प्रारंभ है और सिद्धि अंत है। तो निष्काम कर्म का मतलब है कि जो आपके नियत कर्म है सब करो, ना घर छोड़ो, ना परिवार, ना व्यापार, कुछ छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। निष्काम में आने के लिए कुछ छोड़ना थोड़ी है, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ ग्रहण है, ना कुछ त्याग है। निष्काम में तो बस अपनी अवस्था में, अपने भाव में हम टिके हुए हैं। जो काम आ रहा है विवेक से उसको करते जा रहे हैं, प्रज्ञा से उसको करते जा रहे हैं। तो जो जब हम निष्काम में, अर्थात सकाम से रहित होकर, जो निष्काम है, सकाम बाहर से जोड़ता है, निष्काम भीतर से जोड़ देता है। जहां सकाम ना हो अर्थात वो अवस्था आत्मा से उत्पन्न होती है, और जहां सकाम हो वो अवस्था चित्त से उत्पन्न होती है। एक है चित्त, एक है चेतना। हमारे अंदर लगातार दो धाराएं बहती रहती हैं, एक चित्त की है। चित्त का मतलब है कि जहां पर बहुत सारे जो हम कर्म करते हैं, अनेकों जन्मों के कर्म किए हैं, उनके फल संस्कार के रूप में जहां पर इकट्ठा हो रहे हैं उसको चित्त कहते हैं। और चित्त में जब लगातार वो इकट्ठा है, उसमें पॉप अप होता है, तो उसको वासना कहते हैं। और उससे फिर हम वासना जैसी उठती है उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। ये हुआ चित्त से बहने वाली धारा। चित्त है, बहुत सारा इकट्ठा हुआ है कर्म, कर्म के फल, सारा एक्सपीरियंस वहां पर, और उसके बाद में वहीं से पॉप अप हुआ, वासना पैदा हुई, वासना फिर मन में आई और मन ने इंद्रियों तक पहुंचाया और शरीर ने वैसा ही काम करना शुरू किया। ये एक प्रक्रिया हो जाती है, एक धारा बह जाती है चित्त से। ये चित्त से बहने वाली धारा को सकाम कहते हैं।
क्योंकि ये वांति है, चित्त से उठी है, कर्म के फल से उठी है, तो फिर क्या करती है, और कर्म को इकट्ठा करती है, क्योंकि वहां पर फिर वासना खड़ी है, सकाम फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक दूसरी धारा भी होती है जो चेतना से उठती है। चेतना से उठने वाली जो प्रवाह है, जो प्राणा है, वो फिर बुद्धि के साथ में पूरी तरह से प्रज्ञा विवेक और बुद्धि फिर मन और इंद्रियों के साथ बाहर की तरफ बहता है। जब चेतना से बह रहा है प्राण तो निष्काम है हम, जब चित्त से बह रहा है प्राण तो सकाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि चित्त से बह रहा हो और हम निष्काम हो जाएं। फाउंडेशन ही हमारी चित्त की है तो निष्काम हो नहीं सकते, और यदि फाउंडेशन चेतना की है तो सकाम हो नहीं सकते। कहां से बह रही है ऊर्जा का प्रवाह, उस पर निर्भर करता है कि उसका प्रवाह प्रभाव कैसा होने वाला है। तो निष्काम जो जगत की बात भगवान कर रहे हैं, निष्काम में मतलब चेतना से ऊर्जा बहे और जगत में आप कर्म करें। जनक भी ऐसी अवस्था है जहां पर उनकी चेतना से ऊर्जा बह रही है, प्राणा बह रहा है, और फकत वहीं से बह रहा है, चित्त से नहीं आ रहा, क्योंकि चित्त तो साफ हो गया है। अब चित्त में कोई कर्म और उसके फल इकट्ठा है ही नहीं, फकत चेतना का प्रवाह जो है वो आत्मा से बह रहा है। तो ऐसी अवस्था में सारे कर्म निष्काम होते। तो भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि को हम प्राप्त हो सकते हैं यदि हम अनासक्त हों, और जनक आदि भी ऐसे ही प्राप्त हुए। अर्जुन तो जनक को देख, वहां से कुछ सीख। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं, इसलिए लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। तू क्यों भगोड़ा बन रहा है, तू क्यों भाग रहा है? हम भाग जाते हैं, अपने कर्मों से बचते रहते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं। कबूतर भी ऐसी तो आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचता है कि अरे बिल्ली तो चली गई। वो कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली थोड़ी चली गई। हम दिन में आंख बंद करके काली पट्टी लगाकर कमरों को बंद करके अंधेरा करके बैठ जाए और सोचे कि सूरज चला गया, ऐसा नहीं होता। वो तो हमने बंद किया है, बाहर तो झुका थी वो खड़ा ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि लोक संग्रह के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह का मतलब है एक व्यवस्था को बनाए रखना। यदि सारे ही कहें कि भैया मुझे कर्म नहीं करना, सब घर में बैठ जाएं, तो एक जो लोक संग्रह है, जो व्यवस्था है, वो सब चरमरा जाएगी। वो चरमराई है, बहुत जगह पर हमारे यहां चरमराई है, क्योंकि हमने कर्म करना बंद किया है। भगवान कह रहे हैं लोक संग्रह के लिए भी आदर्श के रूप में आपको कर्म करना होगा। अब यदि अर्जुन जैसा क्षत्रिय जो राजकुल से है वो कर्म कहे कि मुझे नहीं करना, तो जो उसकी आने वाली फिर प्रजा है वो भी कहेगी फिर हम क्यों करें जब राजा ही नहीं करता। राजा कहता है कि मैं तो खाली बैठूंगा, मुझे कर्म नहीं करना, तो प्रजा कहेगी अरे जब राजा ही खाली बैठा तो हम भी खाली बैठते हैं। तो जैसा ऊपर से होता है वैसा नीचे होने लगता है। तो लोक संग्रह के लिए, एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हमें कर्म करना होगा। हे अर्जुन, तुझे कर्म करना होगा, नहीं तो दूर दूर तक जो संदेश है वो क्या जाएगा कि अर्जुन भाग गया है, युद्ध खड़ा था महाभारत का और छोड़कर भाग गया है। तो लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना होता है। तो लोक संग्रह के लिए कर्म एक तरह से एक व्यवस्था पैदा करते हैं। हम भी जैसे घर में आप काम करें तो एक व्यवस्था होती है ना कि चलो बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। अब एक ही व्यक्ति काम किए जा रहा है, बाकी सब निठल्ले बैठे हैं, तो जो काम करने वाला वो भी कहेगा अरे मैं ही क्यों काम करूं, बाकी तो सब आराम से बैठे हैं। तो लोक संग्रह के लिए, एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें फिर क्या होता है कि सब कर्मठ हो जाते हैं, सब काम में लग जाते हैं। तो सब काम में लग जाए, इसलिए जो ऊपर बैठा हुआ है उसको काम करना होगा, क्योंकि फ्लो तो वहीं से आ रहा है, धारा तो वहीं से बह रही है। यदि देश का राजा कहे कि मैं तो निठल्ला ठीक हूं, मुझे काम नहीं करना, तो फिर प्रजा कहेगी हम भी निठल्ले ठीक है, हम क्यों काम करें ज्यादा। तो फिर देश में जो अव्यवस्था है वो फैलने लगेगी। लोक संग्रह के लिए कर्म करना होगा,
भगवान कह रहे हैं तू अपने लिए ना कर लेकिन ऐसे सोसाइटी के लिए तो कर, क्योंकि समाज के लिए हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, प्रकृति के लिए हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि सामाजिक हम प्राणी हैं, समाज में रहे हैं, समाज से बहुत कुछ लिया है हमने, प्रकृति से बहुत कुछ लिया है हमने, ले ही रहे हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम कर्म करें? क्या लोक संग्रह के लिए कर्म करें? क्या उस प्रकृति की व्यवस्था को सही प्रकार से बनाए रखने के लिए कर्म करें? उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्म करें? उस परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्म करें? जब हम केवल ले रहे हैं और उसके लिए हम कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर व्यक्ति बहुत ही ऐसे तुच्छ हो जाता है, छोटा हो जाता है, संकीर्ण विचारधाराओं का हो जाता है। लोक संग्रह के लिए कर्म करना ही। और आगे इसको भगवान और गहराई से खोलते जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर देता है समस्त मनुष्य उसी का अनुगमन करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, जो श्रेष्ठ है, जैसे हम यदि एक राज है उसमें देखे तो उसका जो राजा है वो श्रेष्ठ है, उस राज्य का राजा श्रेष्ठ है। तो यदि वो राजा सही प्रकार से काम कर रहा है तो प्रजा, और यदि हम अपने अंदर शरीर में देखें तो हमारा जो मन है वो थोड़ा श्रेष्ठ होता है शरीर से, तो मन जैसा कहता है शरीर वैसा करने लगता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, जैसा बुद्धि फिर कहती है वैसा मन करने लगता है, फिर एक विवेक श्रेष्ठ होता है। तो जो जो श्रेष्ठ होता चला जाता है, जो वो कहता है तो वैसा ही निचले जो स्तर पर उसका फ्लो है वैसा होने लगता है। तो जो श्रेष्ठ पुरुष है वो जैसा आचरण करते हैं वैसा अन्य पुरुष भी करने लगते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा बुद्ध जो अपने धर्म का प्रचार किया वो राजाओं के पास जाकर किया। राजा एक राजा से दूसरे राजा, फिर चूंकि उनको पता था कि यदि राजा लोग इस ध्यान विधि को इस धम्म पथ को अपना लेंगे तो उनकी प्रजा खुद ब खुद अपना लेगी। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करने लगेंगे वैसा उनके उनको फॉलो करने वाले लोग भी करने लगेंगे। जैसे आप किसी हीरो या हीरोइन को बहुत पसंद करते हैं तो उसका यदि एड कोई आए, किसी प्रोडक्ट का एड आए तो आप कहेंगे तो एड ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि उसने यूज किया, तो अच्छा इसका मतलब वो यूज कर रहे हैं तो फिर हमें भी यूज करना है। तो श्रेष्ठ जिसको हम कहते हैं कि ये श्रेष्ठ है वैसा हम उसको फॉलो करने लगते हैं, जो हमारी नजर में श्रेष्ठ है उसको हम फॉलो करने लगते हैं। तो जो श्रेष्ठ है जैसा वो करेगा वैसा नीचे के स्तर जो उसको फॉलो कर रहे हैं जो लोग हैं बाकी वो भी वैसा ही करने लगेंगे। तो जैसा राजा करेगा वैसी प्रजा करेगी, जैसा जनक ने किया था इसलिए जनक की जो प्रजा है वो सबसे ऊंचे स्तर अध्यात्म के स्तर की प्रजा रही थी क्योंकि वहां पर केवल अध्यात्म ही अध्यात्म बिखरा था। तो जो श्रेष्ठ पुरुष है वो आचरण करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। जैसे हम कोई अपशब्द बोले किसी को तो वो लंबे समय तक वो अपशब्द उसके अंदर बना रहता है, शायद हमारे अंदर भी वो अपशब्द रहता है कि मैंने ऐसा बोला था, हमने बोल दिया लेकिन उसका प्रवाह दूर तक चला गया। और हो सकता है कि लंबे समय तक महीनों सालों और सैकड़ों सालों तक वो एक शब्द एक निर्णय अपना प्रवाह और प्रभाव दिखाता रहे। ऐसे ही होता है कि जैसे अब तालाब में कोई पत्थर फेंको तो उसकी तरंगे दूर तक चलती चली जाती हैं, दूर तक चलती चली जाती हैं। ऐसे ही कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है तो उसका प्रवाह दूर तक चलता चला जाता है, दूर तक उसका असर होने लगता है। तो इसलिए देश का यदि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जैसा आचरण करेगा जनता में उसी तरह से उस आचरण को ध्यान में रखते हुए वैसा उसका प्रभाव होने लगेगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि देश का महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सबसे प्रधान है वो कैसा आचरण कर रहा है क्योंकि सब उसको देख रहे हैं। यदि वो गलत आचरण करता है
तो पूरी प्रजा गलत आचरण करना शुरू कर दी। यदि देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और वो सिगरेट पीते हुए मीडिया में आ जाए तो फिर तो सारे में सिगरेट ही सिगरेट छा जाए। वो यदि धार्मिक कार्यों के आयोजन में दिखाई दे जाए तो फिर प्रजा पर धार्मिक कार्यों के आयोजन की वृद्धि होने लगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर रहे हैं वैसा भी सारे लोग कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है जो श्रेष्ठ हैं समाज में उनकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम समाज को कैसी किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो वैसा ही वो आचरण करें, वैसा ही वो व्यवहार करें, वैसे ही वो शब्द दें, वैसे ही वो कर्म करें। जैसे घर का मुखिया जो कहे जो कर रहा है सब बच्चे उसी को देख रहे हैं, पिता खुद सिगरेट पी रहा है और बच्चों को कहता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो देख तो रहा है कि सिगरेट खुद पी रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं, तो जो देख रहा है वो कभी ना कभी फिर वो कर भी लेगा क्योंकि उसका असर आ जाएगा। आचरण इसलिए बड़ों को करना होगा, संस्कार बड़ों के माध्यम से ही बच्चों में आते हैं। अब बड़े ही घर में टीवी देख रहे हैं और बच्चों कहते हैं जाओ पढ़ लो, अब जब माँ बाप टीवी देख रहे हैं और बच्चों कहा जा रहा है पढ़ लो तो बच्चे भी कहेंगे ना अरे अपने आप तो टीवी देख रहे हैं, हमें कहते हैं पढ़ लो, तो बच्चे भी छुपक के फिर टीवी देखने लगते हैं, वो देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जैसा आचरण करते हैं, ये नहीं कहा कि जैसा वो कहते हैं। कहने में और करने में बहुत अंतर है, करना पूरी तरह से इन्वाइव हो गए हैं, वो आचरण में वो जो कहा जा रहा है हो सकता है कहना तो ऊपर ऊपर का लेकिन हम उस पे चल ना रहे। तो यदि हम आचरण करने लगे हैं तो सब लोग उस आचरण को देखकर उसका पालन करने लगते हैं। इसलिए हे अर्जुन तू भी ऊंचा आचरण कर, क्योंकि और आने वाले सब लोग फिर तेरे जैसा तेने आचरण किया था उसी का ही उदाहरण देंगे। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ प्रमाण प्रस्तुत वैसा ही वो कर देता है, समस्त मनुष्य उसी का ही अनुगमन करने लगते हैं। और ऐसे ही होता है, भारतीय परंपरा में ऐसे ही हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए उस समय इतने आश्रमों का निर्माण कराया और राजाओं में धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, जिससे एक धार्मिक पूरे का पूरा राष्ट्र बने। और उस धर्म के चूंकि उनको पता था कि राजा यदि फॉलो करते हैं तो प्रजा फॉलो करने लगेगी। ये एक अनूठा विज्ञान है कि जो टॉप पे किया जा रहा है वही नीचे होगा। तो भगवान भी कह रहे हैं कि सारा जो अनुगमन है वो उसी अनुरूप होने लगेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें कर्मों में उतरना होगा। हे पार्थ, तीनों लोकों में, ये श्लोक 22 है, तीनों लोकों में ना तो कोई मेरा कर्तव्य है और ना कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो और प्राप्त करनी हो, फिर भी मैं कर्म करता हूं। नए नए तरीकों से, नए नए उदाहरणों से भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भगवान ने एक और ऊंची बात कह दी, सबसे ऊंची बात यहां पर अपना ही उदाहरण दे दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में ना तो कोई मेरा कर्तव्य कर्म है और ना कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो और प्राप्त करनी। ये जो स्थिति है ये बड़ी ऊंची स्थिति है। हमारे जीवन की सारी हलचल यदि देखी जाए तो कुछ पाना है, कुछ चाहिए हमको, इसलिए हलचल है। सारी परेशानियों की जड़ है कुछ चाहिए, बस ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, बस मेरा व्यापार सेट हो जाए, पत्नी से नहीं बनती तो पत्नी से बन जाए और सब एकदम फैलाव हो जाए, कीर्ति हो जाए, बच्चों से नहीं बनती तो बच्चों से बन जाए। पता नहीं, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, लगातार कुछ पाना पाना पाना, और पाने के पीछे हम लगातार चलते रहते। ये पाने की प्रक्रिया ही तो हिला रही है। आप कभी जाओ कहीं पर किसी से बात करने के लिए और आपको उनसे कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए उससे, कुछ भी यदि चाहिए उससे, तो आप देखना कि उस समय आप थोड़े भारी हो जाएंगे।
आप सिकुड़ जाएंगे, आप सिमट जाएंगे, आप हल्के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ चाहिए। जब हम कुछ चाहिए तो हाथ नीचे है, कुछ चाहिए तो हम नीचे स्थिति में है, कुछ चाहिए तो फिर हमारी ऊर्जा अधोगति में बह रही है। और जब प्राप्त करना है और जीवन भर हमें कुछ चाहिए, और जब जीवन भर कुछ चाहिए ही चाहिए, तो फिर परमात्मा तो बहुत दूर है। फिर तो जीवन चाह चाह चाह, और कहा है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए हम हैं शहंशाह। कुछ चाहिए तो फकीर हैं, कुछ चाहिए तो गरीब हैं, कुछ चाहिए तो निकृष्ट हैं हम, कुछ चाहिए तो सबसे निचले स्तर पर जी रहे हैं हम, कुछ नहीं चाहिए तो शहंशाह हैं हम। अब हम शहंशाह बनकर जीवन जिए या गरीब बनकर जीवन जिए, भिखारी बनकर जीवन जिए, ये हमारे ऊपर है, ये एक अंदर की स्थिति है। भगवान कह रहे हैं कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो मुझे प्राप्त ना हो। और कुछ प्राप्त ना हो, ये अवस्था कौन सी हो सकती है? ये अवस्था वही अवस्था हो सकती है जहां पर मैं अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ परमात्मा के साथ पूरी तरह से लीन हो गया। जब मैं ही परमात्मा के साथ लीन हो गया हूं तो क्या प्राप्त करना है? अच्छा, इस जगत में सब जगह परमात्मा ही पसरे हुए हैं और मैं पूरी तरह से उसी भाव में आ गया हूं तो क्या प्राप्त करना है? जब सब कुछ है ही मेरा तो उस सब मेरे में से मैं थोड़ा सा क्या प्राप्त करूं? पूरी सृष्टि में ही मैं पसर गया हूं तो अब मैं थोड़ा सा क्या उठा लूं? है ही मेरा तो मेरे की कोई चोरी थोड़ी करता है, वो तो है ही मेरा, आप थोड़े कुछ अपना उठा लेते हो। जब ये भाव आ गया कि सब मेरा ही है तो क्या प्राप्त करना है? जब ये भाव है कि नहीं मेरा नहीं है, मुझे प्राप्त करना है, मुझे इकट्ठा करना है, अब हम लगे रहते हैं उसको इकट्ठा करने में, प्राप्त कर लेते हैं और सारा प्राप्त कर भी लेते हैं, तो होता क्या है? सारा प्राप्त करने के बावजूद भी तो छोड़ना ही होता है। छोड़ दिया जाता है, आप नहीं छोड़ो प्रकृति छुड़वा लेगी, आप नहीं छोड़ो आप देखना अपने वाले छुड़वा लेंगे, आप पकड़कर बैठ जाओ, कुंडली मार कर बैठ जाओ, अपने ही वाले आपको हटा देंगे, नाराज हो जाएंगे, द्वेष पैदा हो जाएगा, क्लेश पैदा हो जाएगा, ये छोड़ते क्यों नहीं? प्रकृति छुड़वाना चाहती है जो पकड़ा हुआ है, वो किसी ना किसी अपने वाले के रूप में आई है और कहती है कि अब तक कितना आसक्ति थी, अब क्यों पकड़े हुए हो, अब क्यों और प्राप्त करना चाहते हो? और हम देखे तो उम्र के हर पड़ाव में हम कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि कुछ प्राप्त करने का भाव ही ना हो। वो अपना उदाहरण दे रहे हैं कि तीनों लोकों में ना तो कोई मेरा कर्तव्य है, अब कोई कर्तव्य नहीं है। परमात्मा का क्या कर्तव्य हो सकता? जो परमात्मा के भाव में है उसका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य तो उसका है जो प्रकृति में भी है। परमात्मा में कोई कर्तव्य नहीं, प्रकृति में कर्तव्य है, नियत कर्म है, करना होगा। तो जब हम उस परम भाव में होते हैं तो कोई कर्तव्य नहीं रहता, लेकिन यदि उस भाव में नहीं है और फिर हम कहें मेरा कोई कर्तव्य नहीं, तो फिर ये छल है, ये दिखावा है, फिर ये बांध लेगा। लेकिन जैसे ही हम परम भाव में होते हैं, कर्तव्य कुछ रहता ही नहीं है, रह ही नहीं सकता, और ना कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे अप्राप्त हो और प्राप्त करनी हो। परमात्मा को क्या अप्राप्त है? जैसे आपके घर में जो सब चीजें हैं, आप अपने घर में देखो तो आपको सब प्राप्त है ना, अब सब प्राप्त है, और क्या प्राप्त करनी है? मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं करना। तो जब ये भाव आ जाए कि कुछ कुछ अप्राप्त है ही नहीं जो मुझे और प्राप्त करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं जिस जो मैं चाहता हूं कि और मिले और मिले। वो सुकरात का उदाहरण आता है ना, कि जब वो ऊपर पहाड़ी पर रहते थे, पत्नी ने कहा चलो शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करने जब नीचे आए तो देख रहे हैं मेले को, देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह हे परमात्मा,
इतनी सारी चीजों के बिना भी मेरा काम चल रहा है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ प्राप्त करना ही नहीं है क्योंकि मुझे पहले से प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं सब जगह अपने आप को देख रहा हूं। जब मैं अपने आप को किसी चीज से दूर देखता हूं तो उसको प्राप्त करने की चाह जुड़ जाती है, और जब मैं ही वो चीज हूं तो मुझे क्या प्राप्त करना है, पूरी सृष्टि में मैं ही बिखर गया हूं तो भगवान कह रहे हैं मुझे क्या प्राप्त करना है। भगवान को कुछ प्राप्त करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं। अब वो अपना उदाहरण दे रहे हैं, मुझे कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं लेकिन कर्म तो फिर भी मैं कर रहा हूं, तो मेरे से सीख ले ऐसी क्या चीज है जो मैं चाहूं और मैं प्राप्त ना कर सकूं, ऐसी क्या चीज है जो मुझे अप्राप्त हो, ऐसी क्या चीज है, ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, मैं ना भी करूं कुछ तब भी बहुत चलेगा क्योंकि मैं तो उस भाव में टिका हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं और अब भी भगवान कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव तो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग अवस्था है। भगवान पहले से ही बताते आए हैं कि कर्म तो शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर को फिट करने के लिए करना ही होगा, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। कर्म तो करना है ना, सुबह उठकर वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, योग भी करना है और नित्य कर्म भी करना है, नहाना धोना भी है, सारे कर्म ही तो है, भले नित्य कर्म है लेकिन कर्म तो है ही ना, खाना भी खाना है, रेस्ट भी करना है, रात को सो भी जाना है, इधर उधर भी जाना है, सब कुछ करना तो है ही ना, तो कर्म तो करना ही है ना, कर्म तो रोका ही नहीं जा सकता। तो जब कुछ ना भी करने के लिए हो तब भी करना, क्योंकि जब कुछ नहीं करने को है तो समझो कि इस समय बहुत बड़ा कर्म बनने वाला है, इसलिए तब भी कुछ ना कुछ करते रहना, करते रहना अपने भाव के साथ जुड़कर, अपने योग के साथ जुड़कर कर्म करते रहना, लगातार करते रहना, कभी भी कर्म के पीछे मतलब पीछा छोड़ना नहीं उसको। आप देखना जब हम कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं, हम व्यायाम ना करो, आप एक्सरसाइज ना करो, आपकी मसल्स ढीली होने शुरू हो जाए, और बहुत दिनों बाद आप वॉक करने जाओ तो आप जल्दी थक जाओगे, आपको लगेगा रेस्ट आना तो नहीं है, पैरों में थकान हो जाएगी, दर्द हो जाएगी। आप पहले 10 किलोमीटर वॉक कर सकते थे, आपको लगता है कि अरे ये तो 3 किलोमीटर भी थकते रहे, क्योंकि आपकी आदत रुक गई, आपने जो कर्म करना बंद किया था उसके कारण से आपके शरीर पर उसका प्रभाव आ गया है। तो कर्म यदि बंद करोगे, जो भी बंद करोगे, आप भोजन बंद कर दो, देखो शरीर पर उसका असर आ जाएगा, आप सोना बंद कर दो, नींद भी तो एक कर्म ही है, आप चूंकि वो स्मृति है, वो एक वृत्ति है, आप सोना बंद कर दो, देखो उसका असर आ जाएगा, आप नहाना बंद कर दो, उसका असर आ जाएगा, आप जो भी बंद करोगे उसका असर आएगा ही आएगा, कर्म तो करना ही है। भगवान कह रहे मैं भी कर्म में बरतता हूं, तो तू क्यों भाग रहा है, तू कौन सा फन्ने का है, तेरे अंदर कौन सा मन में फितूर आ गया है कि तुझे कर्म नहीं करना, तेने कौन सा ज्ञान समझ लिया है तुझे कर्म नहीं करना, मैंने जरा सा तुझे ज्ञान बताया नहीं और तुझे लगा कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, अब मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, सांख्य ठीक है, ज्ञान ही ठीक है, उसी की चर्चा कर लो। भगवान कह रहे जब मैंने ही तुझे ज्ञान दिया और मैं भी कर्म में बरत रहा हूं तो तू क्यों परेशान हो रहा है, तू भी तो कर्म में लग, तू मेरा उदाहरण समझ, तू जनक का उदाहरण समझ, जनक जैसे अनेक व्यक्तियों का उदाहरण समझ कि जो कर्मों में लगे हुए हैं, श्रेष्ठ पुरुषों का उदाहरण समझ जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण में लगे हुए हैं, लगातार इतने उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि तू कर्म से क्यों उब रहा है, क्यों अपने मुख को मोड़ रहा है। तो कर्मों से अपने आप को जब हम मोड़ लेते हैं तो वहीं पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और वही बंधन का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बढ़तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बढ़तूं तो बड़ी हानि हो जाए। जिसको सब देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो बहुत सावधान पूर्वक अपने कर्मों को करे।
क्योंकि सब जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है। जैसा वो करेगा वैसा सब लोग करेंगे। तो यदि हम कहीं ऊंचे स्तर पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, तो वहां पर अब जिम्मेदारियां हमारे समाज के जो हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां भी हमारे ही ऊपर आ जाती हैं। क्योंकि यदि एक शब्द भी हमारा गलत निकलता है, एक आचरण भी गलत होता है, एक कर्म भी गलत होता है, तो उसका प्रभाव एकदम सीधे तौर पर नीचे आएगा। और भगवान कह रहे हैं कि सारे लोग तो मुझे ही देख रहे हैं, और तो फिर मुझे तो बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक कर्म करना होगा, क्योंकि एक गलत कर्म बहुत ज्यादा हानि पैदा कर देगा। ऐसे ही तो होता है, हमारा भी एक गलत कर्म फल ले आएगा। कुछ आप गलत किसी को बोल दो, देखो मन में टिक 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 शुरू हो जाएगी। एक शब्द ही तो गलत बोलते हैं, वहीं से ही तो द्वेष शुरू होता है, झगड़े शुरू होते हैं। कुछ गलत बोलने से ही तो उसका असर आता है दूर दूर तक। हमारे सारे द्वेष, चाहे वो घर के हो बाहर के हो, सारे झगड़े कहां किस पे टिके हैं? हमारे शब्दों पे टिके हैं। जो वाणी से जो कर्म हुआ था, जो वचन से कर्म हुआ था, उसके आधार पर सारे द्वेष, सारी दुश्मनी खड़ी हो जाती है। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान पूर्वक बोलना होगा, क्योंकि यदि एक शब्द आपने गलत बोल दिया तो उसका असर फिर सामने आएगा ही आएगा। एक कर्म आपने कुछ गलत कर दिया तो उसका असर आएगा ही आएगा। कोई भी एक भाव गलत रख लिया तो उसके अंदर आपका असर आएगा ही आएगा। एक विचार यदि गलत हो गया तो उसका असर आएगा ही आएगा। तो जब उसका असर पूरे हमारे व्यक्तित्व पर आने वाला है, तो आप ही देखे ना, साइकोसोमैटिक डिजीज क्या होती है? मन में आती है और उसका असर तन पर आता है, अर्थात मन से तन पर बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। वो बह रही है लगातार, चूंकि मन अस्वस्थ हो गया है। यदि मन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, उत्साही हो, उमंगी हो, उल्लासी हो, तो हमारा रोम रोम हर सेल एकदम खुश हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा मन ही अप्रसन्न है तो उसका असर फिर निचले स्तर पर आएगा ही आएगा। भगवान अपना उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मुझे तो कर्मों में बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक बरतना होता है, चूंकि सारा मनुष्य समुदाय तो मेरी तरफ देख रहा है, मुझे देख रहा है। यदि मैं थोड़ा सा भी गलत कर्म करूं तो बड़ी हानि हो जाए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान कह रहे हैं कि जब जरा सा भी एक कर्म भी यदि सावधान पूर्वक, होश पूर्वक हम ना करें, सुजाग होकर ना करें, तो हानि होगी। हानि है असावधानी, हानि है ध्यान कहीं और है और काम किया जा रहा है। हानि तब होती है जब अवेयरनेस, अलर्टनेस पूरी ना हो। हानि तब होती है जब हम किसी कर्म में 100% पूरी तरह से अवतरित ना हो, हमारा ध्यान इधर है, ध्यान इधर है। तो ध्यान जब भटकता है तो कर्म के फल विपरीत आने लगते हैं। हानि कोई भी ध्यान, अब दूध उबल जाए तो ध्यान कहीं और था ना, तभी तो हानि हुई। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ध्यान कहीं और था ना, तभी तो हुआ। आप गिर जाओ, ध्यान कहीं और था ना, तभी तो ठोकर खाकर गिर गए। हानि कब होती है? जब असावधानी होती है। कर्मों में सावधान होकर, सुजाग होकर, होश पूर्वक, जिसको महावीर जी कहते हैं, होश पूर्वक किए गए कर्म बांधते नहीं है, लेकिन बेहोशी के सारे कर्म बांध लेते हैं। तो होश, जो अलर्टनेस जो भीतर से होनी चाहिए, जो सावधानी अंदर से होनी चाहिए। सावधानी का मतलब है कि जहां पर बुद्धि सक्रिय हो, विवेक सक्रिय हो, और उसके बाद आपका पूरी तरह से मन सक्रिय हो उसी कर्म में, इंद्रिय भी उसी कर्म में सक्रिय हो, और फिर आपका शरीर भी वहीं पर लगातार पीछे से आगे तक एक ही धारा का प्रवाह हो रहा हो जिस कर्म में हम हैं। इतने लवलीन हो उस कर्म में कि बाहर का कुछ पता ही नहीं। ऐसे ही कि जैसे एक आदमी ने एक वो जूता बना रहा था, व्यक्ति कोने में बैठा हुआ, उससे पूछा कि अरे अभी राजा की सवारी निकली है, वो इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ गई या पश्चिम से पूरब की तरफ गई?
तो कुछ नहीं बोला, वो केवल जूता ही गाड़ रहा है। फिर पूछ लिया, वो जूता ही गाड़ रहा है, थोड़ा सा हिला के पूछ लिया, तो कहा कि क्या कह रहे हो? कि मैं पूछ रहा हूं कि अभी राजा की सवारी ढोल और नगाड़ों के साथ निकली है, किधर से निकली है, किधर गई है, मुझे देखना है, सवारी देखने की इच्छा है, दूर से आया। बोलता राजा की सवारी, कब निकली राजा की सवारी? तो राजा की सवारी निकल गई है, लेकिन पता ही नहीं है, इतना लवलीन है, इतना अंतरतम से बाहर एक साथ एक ही काम में जुटा हुआ है। तो जब इतने सावधान हो जाते हैं हम, इतना अलर्टनेस हमारे अंदर जग जाती है, तो कर्मों में कभी भी हानि नहीं होती, अकुशलता नहीं आती, क्योंकि वो कर्म कुशल हो जाते हैं। तो यदि किसी भी काम को पूरी तरह से कुशलता के साथ करना है, पूर्णता देनी है, एकदम फाइन ट्यून देनी है, तो आपका पूरी तरह से सजग हो जाना, अलर्ट हो जाना, एकाग्र हो जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए कोई बहुत ही अच्छा राइटर हो, कोई कवि हो, कोई चित्रकार हो, उसे बहुत ही अच्छी कोई चित्रकारी करनी हो, तो वो शहर से दूर कहीं एकांत में चले जाते हैं और वहां जाकर अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हैं, वातावरण शांत होता है, इकट्ठा करते हैं अपने आप को। उसके बाद जब वो कृत्य करते हैं तो कृत्य कुछ अनूठा होता है, क्योंकि वो एकाग्रता के साथ सावधान होकर प्रकट हुआ है, अर्थात अंदर से बाहर है, किया नहीं है, हुआ है वो कर्म। तो सावधानी में हम इकट्ठा होते हैं और असावधानी में हम बिखर जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो सावधानी हटने पर ही दुर्घटना है, हानि है। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि यदि मैं कर्मों में सावधान होकर ना बढ़तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते। तो मेरे ही मार्ग का यदि अनुसरण किया जा रहा है तो अब सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि यदि कोई दुकान है और उसका जो मालिक है वो कैसे कर्म कर रहा है, जो और काम करने वाले लोग हैं दुकान पर वो उसको देख रहे हैं, यदि वो कालाबाजारी कर रहा है तो वो भी सीख रहे हैं, वो चोरी कर रहा है तो वो भी सीख रहे हैं, वो कुछ हेरा फेरी कर रहा है मालिक तो वो भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ वो सीख रहे हैं देख देख कर। ऐसे कंपनी में जो ऊंचे पद पर है यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो नीचे के स्तर पर उसका प्रभाव जरूर आएगा, क्योंकि सब उसी का ही ऊपर से अनुसरण होता है। यदि ग्लेशियर से पानी ठंडा बह रहा है तो नदी में लगातार लंबे दूरी तक वो पानी ठंडा रहता है, क्योंकि दूर तक उसका असर जाता है, और तप्त सरोवर से यदि पानी बहे तो वो गर्म रहता है। तो जैसा ऊपर से हो इतनी, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुजाग होकर कर्म करने हैं, क्योंकि सब मेरा अनुसरण कर रहे हैं। हे अर्जुन, तू भी सुजाग होकर कर्म कर, क्योंकि तू राजा हो जाएगा और सब तेरा अनुसरण करेंगे। तो इस तरह से आज ये 23वां श्लोक तीसरे अध्याय का पूरा हुआ। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर जरूर चर्चा करते हैं। प्रणाम गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही गुरु जी। सर अभी भी नहीं आ रही है।
हरि ओम, अभी आवाज आ रही है? हरी सर, तो कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी हरिओम। हरिओम गुरुजी, आज जो आप बताए चेतना और चित्त, उसका फिर से बताएंगे? वो थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा फिर से बताएंगे प्लीज। एक है आत्म तत्व, आत्मा, और वहां जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर है, प्योर ही है, और हमारा जो प्राण है वो उस आत्मा से बहता है, और वहां से बहकर वो पूरे शरीर को, मन को, बुद्धि को गति देता है, शक्ति देता है, और सारे काम उसी प्राण के आधार पर होते हैं। जब वो प्राण केवल आत्मा से बहे तो हमारे सारे कर्म शुद्ध होते हैं, निष्काम होते हैं, हर कर्म आनंद देता है, शांति देता है, प्रसन्नता देता है, उत्साह, उमंग, उल्लास देता है, क्योंकि वो सारे जो प्रवाह है वो आत्मा से बह रहा है। एक दूसरी धारा होती है, वो धारा का नाम है चित्त। चित्त का मतलब है हम जो कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद उसका फल इकट्ठा होता है, कुछ फल तो हम अभी भोग लेते हैं और कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, और वो जो इकट्ठा हुए हैं वो इकट्ठा जहां होते हैं उसको कहते हैं चित्त। तो चित्त में कर्मों के फल इकट्ठा हैं, और हमारे अंदर भी ये स्टोर हाउस है, सारे के सारे कर्म और उसके फल इकट्ठा हैं, अब भी इकट्ठा हैं, लगातार हो ही रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमारे अंदर इकट्ठा हो ही जाता है। तो जब वो सक्रिय होता है चित्त, और लगातार वो सक्रिय होकर वहां से कुछ कर्मों के फल ऊपर की ओर उभार देता है, जैसे जो हमने कर्म किया है फल तो हमें भोगना है, तो फल कैसे भोगेंगे? फल का मतलब है जो पक गया है उसको फल कहते हैं। पेड़ पर फल कच्चा है तो फल नहीं कहेंगे, जब वो पक गया है तो फल कहेंगे। ऐसे ही कर्म का एक फल होता है, अर्थात कर्म जब पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाने के लिए तैयार हो जाए तो उसको फल कहते हैं। तो जब हमारे चित्त में वो इकट्ठा है बहुत सारे, लेकिन अभी वो अपना असर दिखाने के लिए तैयार नहीं है तो वो जमा है, लेकिन यदि दिखाने के लिए तैयार हो गए, पॉपअप होकर ऊपर की तरफ आ गए तो उसको वासना कहते हैं, उसको प्रारब्ध भी कहते हैं, डेस्टिनी भी कहते हैं, और वो प्रकट होकर ऊपर आ जाते हैं। और इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, वो भी सारे हमारे चित्त में ही पड़े रहते हैं। तो जब हमारे चित्त से ऊर्जा बहती है, अर्थात जो प्राण है वो प्योरिटी के साथ ना बहकर, प्राण जो है वो चित्त से होता हुआ बह रहा है, एक है डायरेक्ट बह रहा है, एक है चित्त से होता हुआ बह रहा है, तो जब वो चित्त से होता हुआ बहेगा तो वहां जो पॉपअप हो रहा है उसको साथ लेकर बहेगा, और प्राण में फिर वासना आ जाएगी, और जब प्राण में ही वासना आ गई तो हमारे मन में वो वासना का चिंतन शुरू हो जाएगा, और फिर हमारे इंद्रियां उसको भोगने के लिए आतुर हो जाएंगे, और हमारा शरीर उस काम को करने में आगे बढ़ जाएगा। तो प्राण जब चित्त से बहे तो हम सकाम की तरफ चले जाते हैं, अर्थात भोग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन प्राण जब आत्मा से बहे और फकत आत्मा से बहे और चित्त पूरी तरह से वहां पर एकदम निष्क्रिय हो गया है, या यूं कहें कि दग्ध बीज हो गया है, अब चित्त में कोई संस्कार ही नहीं है, साधना के माध्यम से धीरे धीरे हमने चित्त की सफाई कर ली है और चित्त पूरी तरह से स्फटिक के समान हो गया है, और जब चित्त पूरी तरह से साफ हो गया है तो यदि वो प्राण जब चित्त से बहेगा तो वहां तो साफ ही है, जैसे हवा बह रही है और साफ स्थान से बह रही है तो जैसी बहती आ रही है वैसी बहेगी, वो यदि खुशबू लेकर आ रही है और रास्ते में साफ स्थान है तो वैसी बहती रहेगी, और वो फूलों की खुशबू लेकर आ रही थी और रास्ते में कूड़े का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था, अब वो फूलों की खुशबू से होती हुई जो प्राण है, जो हवा है बह रही थी, अब वो बदबू के कारण से आगे जो बहेगी वो बदबूदार बहेगी, वो खुशबू नहीं आ पाएगी क्योंकि खुशबू ही बदबू में मिल गई। ऐसी जब आत्मा से ऊर्जा बहेगी और चित्त से होती हुई आएगी, और चित्त पूरी तरह से हमने संस्कार
जो है उसके साफ कर दिए हैं साधना के माध्यम से, तो प्योरिटी के साथ बहेगी, जैसी बह रही है वैसी बहेगी। और यदि चित्त में बहुत कुछ पड़ा है तो चित्त में जो उठ रहा है अब वो वैसी बहने लगेगी। अब उस प्राणों में वासना आ गई है, प्राणों में विकार आ गए हैं, प्राणों में काम क्रोध लोभ मोह आ गया है, राग और द्वेष हमारे प्राणों में उतर गया है, अब वहां पर सकाम हो रहा है, वही बंधन है। तो मुक्ति की प्रक्रिया है आत्मा से बहे प्राण, निष्काम है, अनासक्त है। बंधन की प्रक्रिया है चित्त से बहे प्राण, बंधन है, सकाम है, बांध लेंगे क्योंकि विकार है यहां पर। तो अध्यात्म है कि अपनी धारा को चित्त से हटाकर चेतना की तरफ ले जाना। योग है चेतना से जो प्रवाह बह रहा है वहां पर आ जाना, और भोग है जो चित्त से प्रवाह बह रहा है वहां पर आ जाना। योगवाद और भोगवाद दो ही प्रक्रियाएं हैं, तो भोगवाद चित्त से बहता है, योग चेतना से बहता है। तो जब चेतना की तरफ उस ऊर्जा को जो चित्त से बह रही है उसको हम चेतना की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, यहां से उठाकर वहां पर ले जाने की जो प्रक्रिया है, अभ्यास है, प्रैक्टिसेस हैं, वो सब स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। यहां से वहां जाने की प्रक्रिया, एक धारा से चित्त से चेतना में जाने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं। और योग में अध्यात्म में यही किया जाता है कि मेरा चित्त से नाता टूटे, चेतना से नाता जुड़ जाए, प्योरिटी से नाता जुड़ जाए, और पूरी तरह से शुद्धता से जब आत्मा से प्राण बहे तो मेरे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और जो कर्म शुद्ध होते हैं वही निष्काम होता है, वही शांति आनंद प्रेम और पूरी तरह से मुक्ति के भाव में हमको टिका देता है। क्लियर है? हाँ गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओके जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं।